वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है ट्विनिंग्स ड्राइंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं इस वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी एक नेचुरल ड्राइंग जो कि आपकी क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आ सके कि ये नेचुरल ड्राइंग है वो कैसे बनाई जाती है। ओके, सो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इस नेचुरल ड्राइंग में जिन कलर्स एंड जिन ब्रशेस का यूज़ किया है वो मैंने उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, ताकि आप सबसे पहले वो देख लो कि उस कौन से कलर्स एंड कौन से ब्रशेस का यूज़ करना होता है आपके नेचुरल ड्राइंग या फिर आलेखन में। ओके, सो फर्स्टली थिंग तो यही था कि आपको पता होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप बहुत परफेक्शन होना चाहिए आपके ड्राइंग में, या तो वो नेचुरल ड्राइंग हो या फिर आलेखन हो या फिर आपका शेडिंग पिक्चर हो। कोई भी पिक्चर्स आप बना रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा डेली डेली आपकी प्रैक्टिस करवाते रहती हूँ। इवन मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी वीडियोस नहीं अपलोड हो पाती हैं, बट हाँ मैं ये हमेशा से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डेली वीडियोस मिल सके और आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कर सको और प्रैक्टिस कर सको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बिकॉज़ जो आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर गेन कराता है, ओवरऑल नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है यही ड्राइंग सब्जेक्ट। बिकॉज हर सब्जेक्ट के साथ साथ आपका ये ड्राइंग सब्जेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। इसी वजह से मैंने क्लास टेंथ के स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है, जो कि ड्राइंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है, अगर हमारे चैनल का वर्क अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पे न्यू हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज वी नीड सब्सक्राइबर एंड यू नीड सम ड्राइंग वीडियोज़। सो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और आप देखो और अंत में आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मैं मिलूंगी आपको वीडियो के लास्ट में। सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्टली। सो गाइज, ये यू कैन सी दैट कि मैंने पहले ही ये नेचुरल ड्राइंग बना लिया। मैं करूँगी इसे कलर। सो सबसे पहले आपको पानी स्प्रेड करना है, फिर उसके बाद मैंने स्काई ब्लू कलर डाला, और आप भी बिल्कुल वैसा ही करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऊपर से कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके भी कुछ रीजन्स हैं एंड वाटर लगाने का भी कुछ रीजन्स है। सो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगी, आप वीडियो को अंत तक देखते रहो, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले मैंने स्काई ब्लू कलर, फिर ऑरेंज कलर, देन येलो कलर लगा करके बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और स्ट्रोकिंग भी ऑरेंज कलर की काफ़ी अच्छे से दे रखी है। इवन आप देख सकते हो कि ये जो मैंने कर रखा है बहुत अच्छे से मिक्सअप किया है एंड वेल फिनिश्ड है यहाँ पे। अगर पेड़ की बात करूँ तो सबसे पहले पानी लगा के फिर हल्का सा ग्रीन कलर स्प्रेड कर देना है, और फिर उसको पॉचेस कर देने हैं डार्क ग्रीन कलर के। इवन मैं मुझे ये थोड़ा सा फीका लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें लाइट ग्रीन कलर भी मिक्सअप कर दिया है। अगर आपका ये जो पॉचेस है बहुत क्लियरली लग जाता है तो आप लाइट ग्रीन कलर अवॉइड कर सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल। अगर आप का क्या लाइट ग्रीन कलर के हिसाब से ही ये जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, और तो फिर आप इसमें कोई और कलर मत यूज़ करो, बिकॉज हमारा दो कलर से ये का पेड़ काफ़ी ज़्यादा क्यूट बन चुका है, ठीक है। इवन लास्ट पे आप देख सकते हो कि मैंने पेड़ को क्या नाम आउटलाइनिंग दे दी है डार्क ग्रीन कलर से, एंड फिर उसमें थोड़े थोड़े ब्रांचेस निकाल दिए हैं ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए। ओके, मैं यहाँ पे आपको सारे कलर्स बताते हुए चल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारी है आपके ट्री के ब्रांचेस की, इवन स्टेम की। सो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा वाटर स्प्रेड करना है उस एरिया पे जहाँ पे आपको कलर डालना है, फिर उसके बाद हल्का सा ब्राउन एंड फिर उसके ऊपर येलो ऑर्च कलर। येलो ऑर्च कलर वो कलर्स होते हैं जो आपका येलो से एक शेड डार्कर होता है, फिर उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर डाल देना है, मतलब अच्छे से लगाना है ब्रश का यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैंने 3 नंबर का ब्रश यूज़ किया है, आप चाहो तो 1 नंबर या फिर 000 नंबर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, और उन तीनों कलर को उन दोनों कलर को काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे से मिक्स करना है, काफ़ी खूबसूरती से मिक्स करना है, ताकि वो बाहर इधर उधर ना फैले और उसमें ही रहे। फिर उसके बाद आपको डार्क ब्राउन कलर से आउटलाइनिंग दे देनी है, जो कि आपके ट्री को काफ़ी खूबसूरत सा लुक प्रोवाइड करेगा। सो हियर यू कैन सी कि हमारा जो ट्री है वो काफ़ी खूबसूरती से बन के तैयार हो गया, और इसमें एक छोटा सा होल बना दीजिए ब्लैक कलर का यूज़ करते हो, जिसमें उल्लू वगैरह या फिर चिड़िया वगैरह रहती हैं। सो फाइनली पहला ट्री तो तैयार हो गया, अब नेक्स्ट ट्री की बारी है। सो नेक्स्ट ट्री मैंने थोड़ा सा कंकाल ट्री दिखाया है, दैट मीन्स इसमें कोई फ्लावर नहीं है, तो मैंने बस ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए इसकी शाखाएँ निकाल दी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बारी हमारे मेडो की, मतलब मैदान की। तो सो मैंने मैदान यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई मैदान दिखाया है, दैट मीन्स कि थोड़ा सैंडी मैदान है, बालू वाला मैदान है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन एंड येलो ऑर्च कलर का यूज़ किया है। आप इसे नोट डाउन कर लो कि अगर आपको थोड़ा सा बलवट मैदान दिखाना होता है तो ब्राउन एंड येलो ऑर्च कलर का यूज़ करते हैं, और उसकी बैलेंसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी दिखाया है।
कि यहाँ पे मैंने ऊपर सबसे पहले ब्राउन कलर, फिर बीच बीच में येलो की स्ट्रोकिंग दी है, और वो स्ट्रोक प्रॉपर पता नहीं चलना चाहिए। जैसे कि हमारा सन का स्ट्रोक दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल आपका येलो एंड ब्राउन कलर बहुत अच्छे से खूबसूरती से मिक्सअप होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो ड्रॉइंग है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे सकता है। ठीक है, जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ बिल्कुल आप वैसा ही करते रहो। फिर तो उसके बाद आप देखना लास्टली आपका ये वीडियो काफ़ी खूबसूरती से बन के तैयार हो जाएगा। सो अब बारे चबूतरे की, तो चबूतरा आप ग्रे कलर से भी कर सकते थे, बिकॉज जो चबूतरा होता है वो सीमेंटेड होता है। इवन ये मिट्टी का भी चबूतरा हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीमेंटेड चबूतरा ना दिखाते हुए थोड़ा सा सॉलिड चबूतरा दिखाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ किया है, ब्राउन एंड येलो ऑरेंज कलर। इवन हम जहाँ भी थोड़ा सा मिट्टी वाला सीन्स दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये ब्राउन कलर के साथ येलो ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है यूज़ करना, बिकॉज यही दो कलर हमारे नेचुरल ड्राइंग्स में यूज़ करके इनका हम काफ़ी खूबसूरती से यूज़ करके बहुत अच्छे से अपनी सरफेस को क्लीन अप कर सकते हैं और बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। इवन हमारा सरफेस कंप्लीट हो गया है, अभी बारी है घर की। तो घर के लिए मैंने यहाँ पे लाइटिस पर्पल कलर यूज़ किया है, फिर उसके ऊपर मैंने हल्का सा वाइट लगा दिया, जिससे जो है थोड़ा सा थिक लेयर मिल गया है हमारे घर को, एंड उसकी जो छप्पर है मैंने ब्राउन कलर से बना दी है। ओके सो ये इसी तरीके से आपको डिफरेंट दूसरे घर भी चाहो तो आप अपने मन के हिसाब से कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। बट गाइस, हाँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा हर वीडियोस में बताती हूँ कि आपका जो भी कलर यूज़ कर रहे हो अपने नेचुरल ड्राइंग में वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग होना चाहिए। आई मीन टू से कि जो आप कलर यूज़ कर रहे हो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डल नहीं होना चाहिए। अगर आपको सोचो कि यहाँ पे आप डार्क पर्पल यूज़ कर दो इस नेचुरल ड्राइंग में, तो वो कहाँ फिट होगा। ओके सो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ऐसे कलर्स यूज़ करो जो आपके नेचुरल ड्राइंग को बहुत बैलेंस्ड शो करें। ठीक है, सो बारी है अब सीढ़ियों की एंड फ्लोर की। तो सीढ़ियों को मैंने ब्लैक कलर के ही हल्का सा बहुत पॉइंट भर ब्लैक लिया था ब्रश में, फिर उसको बाद पानी लेकर के उसको स्प्रेड कर दिया उस एरिया पे जहाँ पे हमें ग्रेज कलर दिखाना था। सो गाइज, आप ये ध्यान रख लो कि अगर आपको ग्रे कलर कहीं डालना है तो वाइट मत मिक्स करो, पानी वाला आप ब्लैक कलर लगाओ, जिससे आपका वो जो ब्लैक है बहुत लाइटिश हो जाएगा। ओके सो अभी तो हमारा ये घर बन के कम्प्लीट हो गया है, अभी बारी है हमारे जो ह्यूमंस हैं उनको कलर करने की। ठीक है, सो ह्यूमंस को कलर करने के लिए आप डिफरेंट लॉट्स ऑफ कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। ह्यूमंस के लिए कोई भी कलर रिक्वायर्ड है, बिकॉज आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग ड्रेसेस पहनते हैं। और सो आप पीछे देख सकते हो कि मैंने जो छोटे छोटे बच्चे दिखाए हैं वो मैंने इसलिए ब्लैक पेंसिल से दिखा दिए कि जो वो ह्यूमंस हैं वो काफ़ी दूर हैं और उनके सिर्फ हल्की सी प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये जो आंटी को मैं अभी बना रही हूँ वो आप देख सकते हो कि मैंने नीचे से ब्लू स्ट्रोक दिया है, फिर ऊपर से वाइट की स्ट्रोकिंग दे दी है, जिससे इनका साड़ी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इवन ये पिंक वाली जो गर्ल है वो बैठी हुई है, और फिर उसका जो बाल है मैंने वो ब्लैक कलर से बना दिया है। हियर यू कैन सी सारे कलर्स कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी खूबसूरती से मैंने यूज़ किए हैं, और बहुत टेक्निक से यूज़ करना होता है गाइज आपको। बारी है अब टिप की। तो सो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि ये वाटर क्यों यूज़ करते हैं और अपना जो कलर होता है वो टॉप से बॉटम की ओर क्यों आते हैं हम। ठीक है, सो इसका रीज़न ये है गाइज कि अगर सबसे पहले पानी वाला आप सुन लो कि जो हमारा वाटर होता है वो हम इसलिए स्प्रेड करते हैं, सबसे पहले कलर लगाने से पहले वाटर को इसलिए स्प्रेड किया जाता है कि जो आपका कलर होता है ना वो काफ़ी अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ठीक है, अगर कलर वाटर लगाने से पहले ही कलर लगा दोगे तो कलर के धब्बे बन जाएंगे और मिक्स नहीं हो पाएगा। और ऊपर से नीचे कलर इसलिए हम करते हैं ताकि जो हमारे हाथ हैं उनसे कलर लग करके इधर उधर ना स्प्रेड हो जाए। हमारे यहाँ से नीचे की ओर खींचते हैं इसलिए ऊपर से नीचे की ओर आपको कलर करना है। सो यहाँ पे आप गाय देख सकते हो, हमारी जो गाय है वो मैंने चितकबरी गाय बना दी है, फिर उसके बगल में वेल बना दी, आई मीन कुआं बना दिया है। एंड फाइनल टचेस है, फाइनल टचेस यू मी आई मीन टू से कि जो आपको जो भी नेचुरल ड्राइंग होता है उसमें ग्रासेस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आपका जो नेचुरल ड्राइंग है उसमें ग्रास ही है जो नेचुरल लुक दिखाता है। और ये गाय का मेरा खूंटा छूट गया था तो गाय मैंने ब्लैक कलर्स कर दिया, एंड फिर इसकी लास्टली आउटलाइनिंग। सो आउटलाइनिंग के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया, एंड फिनिशिंग टच के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से चिड़िया एंड ग्रासेस बना दिए। हियर यू कैन सी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है हमारा नेचुरल ड्राइंग। सो गाइज, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इवन मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बिकॉज हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका जो बोर्ड एग्जाम्स में नेचुरल ड्राइंग या फिर आलेखन पूछे जाते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर आपने हमारे आलेखन वाली कोई भी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके ज़रूर विजिट कीजिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे, बिकॉज इस साल जो आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बीता है, दैट मीन्स 2020 जो बोर्ड एग्ज़ाम्स बीता है,
उसमें कुछ ऐसे आलेखन थे जो मैंने पहले से ही प्रिपेयर करवा रखे थे आप लोगों को, और मैंने डैम श्योर भी किया था कि वो आलेखन ज़रूर आएंगे, और इवन वो आलेखन आया भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। मैं क्लू दे देती हूँ, एक लोटस वाली वीडियो है और एक सनफ्लावर वाली वीडियो है, ये दोनों जो ड्राइंग है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया था, आई मीन ड्राइंग के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज मैं खुद आपको प्रूफ दिखा रही हूँ, अगर आपके पास कोई क्लास 10th का बच्चा होगा उसकी ड्राॅइंग की पेपर लीजिएगा और देखिएगा, उसमें भारतीय पुष्प पे पूछा था और जैसा ही वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया था सेम बिल्कुल वैसा ही आपको पूछा गया था कि आप एक तितली के साथ बनाइए, तो मैंने तितली के साथ आपको बना के दिखाया हुआ है सनफ्लावर। इवन ने हमारा लोटस भी है जो हमने बत्तख के साथ बना के दिखाया हुआ है, तो आप वो वहाँ पे विजिट करो और देख सकते हो कि जो हमारी वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं कि वो आ सके आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है। यही सब थिंग है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी घाटे में हो, बिकॉज आने वाले वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के दिखाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में। चलते चलते मैं आपको ये बता दूँ कि मैं टेलीग्राम पर प्रैक्टिस करवा रही हूँ बच्चों की, बिकॉज़ मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी, फिर कोरोना आ गया तो मुझे ऑनलाइन होना ही पड़ा पढ़ाने के लिए, नहीं तो मैं वैसे ही नॉर्मली वीडियोस अपलोड करती थी। अभी आप देखोगे कि मैं बाई फेस वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज़ जो स्टूडेंट हैं उनसे इंटरेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ही पड़ गया था मुझे, सो दैट्स वाई मैं अभी ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। इवन मैं अब वीडियोज़ में प्रॉपरली आपको बोल के बताती हूँ, पहले मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखा देती थी, इवन तभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे हमारे चैनल को और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और अभी भी सपोर्ट आ ही रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। मुझे तो यही बातें करती थी, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये जो चैनल है ना आपको बोर्ड एग्जाम्स में ड्राॅइंग में मैक्सिमम नंबर दिलवा सकता है अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ। रेगुलरली प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम्स में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।